आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में विजुअलाइज करने में किस किस को प्रॉब्लम होती है, ज़रा हाथ उठाइएगा विजुअलाइज करने में। हाँ प्लीज़ पूरा हाथ उठाइए ताकि मैं अच्छे से देख सकूँ कितने हैंड है। विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ दिखाई नहीं देता, कभी कभी प्रॉब्लम, कभी अभी किस किस को ही वो हाथ उठाइए, तो वो कभी कभी का दिन आज ही था है? एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में हमारे जो इंटेलेक्ट है उसे जो चीज़ विजुअलाइज करने में मास्टरी है उसे तो वो कभी भी विजुअलाइज करने में भारी नहीं होती है ना। जिसमें उसे आदत नहीं है उसे वो विजुअलाइज कराते हैं तो थोड़ा सा ज़ोर पड़ता है, ऊपर से क्या है हम थोड़ा सर भी भारी कर लेते हैं, ऐसे ही ब्रेन से ज़ोर लगाते हैं ना, तो वो होता है ज़ोर नहीं लगाना है। जैसे भी मैं आपको बोलूँ थिंक अबाउट गुलाब जामुन तो एक सेकेंड के अंदर चित्र सामने आ गया है ना, थिंक अबाउट कार, कार की इमेज सामने आ गई है ना, थिंक अबाउट ऑटो आया इमेज सामने ऑटो का है ना, ये चीज़ें हमने देखी हुई है ना। अच्छा ये वाली क्यों नहीं आ रही हैं, देखी नहीं है। अच्छा जैसे मानो हमने आपसे कहा कि प्रकाश की देह में चमक रही मणि, ठीक है, तो क्या आपको ये देखने की ज़रूरत है? हैं जिस प्रकार से ये जो है शर्ट है ये मेरे पास है मैंने पहनी हुई है, सेम वैसे ही प्रकाश की देह भी मुजात्मा ने पहनी हुई है और बिल्कुल इस पंच तत्वों की देह के अंदर है और अब मुझे वही देख रही है, वो प्रकाश के नेत्र ही इधर देख रहे हैं, ठीक है, वो जो गर्दन हिल रही है ना वो प्रकाश की गर्दन हिल रही है अंदर, ठीक है, ऐसे चिंतन किया जाता है, ठीक है, ये हाथ ऐसे गया ये प्रकाश का हाथ है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ना शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लेते हैं ऐसी प्रकाश की देह के ऊपर ये पंच तत्वों की देह मैंने पहनी हुई है, ऐसे सोचा करो, जैसे जैसे जैकेट उतारी खूंटी पर टांग दी है ना, है ना, ये चिंतन करने होते हैं एकांत में बैठकर, वैसे ही सपोज ये पंच तत्वों की देह ऐसे पकड़ी और ये उतार दी, इसे भी खूंटी पर टांग दिया, ये बच गई प्रकाश की देह, ठीक है, ऐसे अभ्यास किया करो, हैं आसान लग रहा है अभी भाई, एक्सेलेंट अभी हो रहा है, प्रकाश के देखो पहले प्योर कर दिया उसके बाद रेंडर कर लिया तो ठीक हो गया अभी, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम, है ना। बाकी एक चीज जगह और मदद ले सकते हैं, जैसे गाड़ी को हमने सड़क पे चलते सैकड़ों बार देखा है तो बड़ा आसान है विजुअलाइज करना, वैसे ही टीवी देखो हम में और पुराने समय में ये फ़र्क है, दादियों के समय में और हम में आज साधन बहुत हैं, आप में से हर किसी के पास मोबाइल अभी सेकंड में खोलो और इतने अच्छे अच्छे विजन्स कमेंट्रीज में डले होते हैं, बिल्कुल आत्मा यूँ निकल रही है यूँ घुस रही है परम धाम जा रही है सब दिख रहा है ना। अब जैसे मानो आप कोई मूवी देख लें है ना, जैसे मैं अक्सर एक मूवी का उदाहरण देता हूँ, किसी को सुन के बुरा भी नहीं लगता क्योंकि बहुत पुरानी है और देखी भी सबने, शोले। जैसे मानो आपने पिक्चर देखी शोले, किसी ने 10 साल पहले देखी, किसी ने 20 साल पहले देखी, किसी ने 25 साल हो गए, किसी ने 5 साल पहले देखी है ना, लेकिन ये आज भी आपको वो सारे सीन याद हैं कि गब्बर ऐसे कहता है और वीरू ऐसे कहता है, जय ऐसे कहता है, क्योंकि वो देखा था और मन की भाषा है विजुअलाइजेशन। अगर मन जैसे देखो जब जैसे हम टीवी देख रहे हैं, माना टीवी चल रहा है, मैं टीवी पर देख रहा हूँ, तो उस वक्त बुद्धि काम नहीं करती है, आपने सोचा है कभी इस बारे में कि जब टीवी देख रहे होते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती, क्यों काम नहीं करती बुद्धि? अगर काम करती तो उन सीन को देख के हम रोते या हंसते नहीं, जैसे वो रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं, एक्चुअल में हम नहीं रो रहे हमारा मन रो रहा है, ठीक है, मन रो रहा है और बुद्धि कहाँ चली गई, वहाँ बुद्धि आराम कर रही है, पता क्यों आराम कर रही है? फर्स्ट डे पे आओ, आत्मा के तीन फैकल्टी दिखाई है, मन बुद्धि और संस्कार है ना, तो बुद्धि के दो काम है कौन कौन से, हाँ गुड, एनालाइज और विजुअलाइज, लेकिन विजुअलाइजेशन उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसलिए पहले आता है, जैसे माइंड पहले सोचता है,
महसूस तो बाद में करता है, तो महसूस करना उसका दूसरा काम है। पहला मुख्य काम क्या है मन का? सोचना। वैसी बुद्धि का मुख्य काम क्या है? पहले विजुअलाइज करना। तो जब टीवी देख रहे होते हैं तो मन को टीवी सब कुछ विजुअलाइज करके दिखा रहा है, बुद्धि को विजुअलाइज कुछ करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो वो कहती है ठीक है मैं आराम करने चली जाती हूँ। जब वो आराम कर रही होती है तो उसका जो दूसरा काम है एनालाइज करना, वो भी नहीं हो पाता। तो क्या होता है? बुद्धि जी आराम से सोए हुए, हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं। अगर उसी समय आप बुद्धि का यूज़ करके कह दें ये तो नौटंकी है, एक सेकंड में आंसू सूख जाएंगे। आप सोचिए कितनी बेहतरीन और बढ़िया। ये मैं अपने मन को ये उदाहरण दिया हूँ कई बार कि वाह, यानी मन को कमांड चाहिए। मन बड़ा ही भोला है, मन में शक्ति अथाह है, लेकिन बिना कमांड के कुछ नहीं करता मन। वो कहानी किस किस ने सुनी है जो हमने कई बार सुनाई है, जिन वाली सुनी है? तो सुना दो फिर से। इससे मैंने मन को समझा और आप भी इससे समझ सकते हैं। जिसने इस कहानी को एक बार सुन लिया वो मन को समझ जाता है। ये मैंने बचपन में सुनी थी, मेरी दादी ने सुनाई थी। सुनाऊं मैं आपको? एक बार एक राजा के राज्य में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। राजा बड़ा दुखी था, तो राजा गया महात्मा जी के पास और महात्मा जी को जाके अपनी प्रॉब्लम बताई। महात्मा जी ने कहा कि ये लो, उन्होंने उसे एक बॉटल दी और बोला कि जाइए इसे अपने राज्य में जाके खोलना। उसने जाके खोली, जैसी खोली उसमें से जिन्न प्रकट हुआ, जिन्न जिनी निकला और निकल के बोला हुक्म मेरे आका। तो उसने बोला मेरे राज्य में जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म करके आओ। अब राजा को लगा समय लगेगा करने में, प्रॉब्लम बहुत है, वो तो दो मिनट में सारी ख़त्म करके आ गया। आके बोलते हैं राजा को, राजन मैंने सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी, मुझे और काम दो। तो राजा कहता है, उसकी तरफ देखता है पहले तो, फिर कहता है कि सारी कर दी? कहता है हाँ मैंने सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी, मुझे और काम दो। तो कहता है मेरे पास तो और काम नहीं है। कहता है मुझे जल्दी और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा डर जाता है बिल्कुल कि मतलब खा जाएगा, तो भाग के जाता है महात्मा जी के पास। जाके बोलता है महात्मा जी वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो महात्मा जी पता क्या कहते हैं, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी करो और उसको बोलो इस सीढ़ी पर चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर, तेरा यही काम है। उसने गया आंगन में सीढ़ी खड़ी की और उसको बोला इस पर चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर, और वो एकदम मान गया और चढ़ने उतरने लग गया, ठक 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 ठक, राजा फ्री हो गया। सोचने की बात है, उस वक्त मेरे मन में ना एक बात आई थी कि काश ऐसा जिन मेरे पास भी होता ना, अपना स्कूल का सारा होमवर्क उसी से करवाता। लेकिन वास्तव में सोच के देखिए ये जिन हमारे पास है और वो है हमारा मन, बेहद शक्तिशाली। आदेश चाहिए, काम नहीं दोगे तो कहता खा जाऊंगा और खाता भी है। अभी भी देख लो, ज्ञान में भले आ गए हैं लेकिन जिस वक्त मन को कोई आदेश नहीं देते, ज्ञान चिंतन माना आदेश देना, स्वमान देना आदेश देना, ठीक है ये नहीं कर रहे हो, तो उस वक्त ये जो मन रूपी जिन है आपको खा रहा है। सपोज जब वो जिन वहां पे आया था और राजा से बोला मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और वो कह देता उससे कि तू एक काम कर तू मेरा महल गिरा दे, तो क्या वो जिन ये कहता कि राजन ये आपने कैसा आदेश दे दिया? वो तो जाके गिरा देता ना। ये ऐसे हम अपना महल गिरवाते हैं, ये हमारे जीवन का महल गिराता रहता है। मन मेरा ही है और मेरे महल को गिराता रहता है, मतलब जिन मेरा है लेकिन मेरे महल को गिरा रहा है क्योंकि मैं उसे कोई आदेश ही नहीं दे रहा हूं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे स्वमान, स्वमान यानी इस बुद्धि रूपी राजा को बाबा शिक्षित करते हैं ज्ञान से। कलयुगी बुद्धि इसको उल्टे सुलटे आदेश देती थी तो ये उल्टे सुलटे कार्य करता था, और ये ज्ञानी बुद्धि जिसमें ज्ञान भरा हुआ है अभी, ये इसे बिल्कुल एक्यूरेट आदेश देती है तो ये कमाल करके दिखाता है। तो सोचिए जब वो कहने से महल गिरा सकता है, कहने से सीढ़ी पर चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर सकता है, तो अगर हम अपने मन को बोले कि हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, पहला कमांड मिल गया।
मैं देख रहा हूँ कि तुम हीलिंग लाइट मेरे पूरे शरीर में फैला रहे हो। दूसरा कमांड मिल गया, फैलाना पड़ेगा उसे। मैं देख रहा हूँ कि तुमने इस शरीर को संपूर्ण स्वस्थ कर दिया है। कमांड मिलेगा, करना पड़ेगा। लेकिन मन की भाषा क्या है? विजुअलाइजेशन। जैसे मानिए भैया की भाषा है कन्नड़ और हम हिंदी में बोले इनको, इनको समझ में आएगा? वैसी मन की भाषा है विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअलाइज करके नहीं दिखाते हो तो मन कुछ भी समझ नहीं पाता है, ऑर्डर ही नहीं ले पाता है। जैसे कहा गुलाब जामुन, तो आपने जब गुलाब जामुन को विजुअलाइज किया तब मन समझ पाया और आपके मुख में तुरंत पानी आया, है ना? लेकिन अगर विजुअलाइज ही नहीं किया मुख में कोई पानी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? अब मानो आप ये स्वमान लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बस लिया, विजुअलाइज नहीं किया तो मन कुछ भी नहीं समझता। तो ये सब भक्ति में नहीं रटते थे बस बैठ के, वो हो जाता है कि भाई जी इतनी बार स्वमान लेती हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल विजुअलाइज करना है सवेरे उठते ही। ठीक है, तो सवेरे उठते ही बार बार ये संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और फिर उस सीन को विजुअलाइज करना शुरू कर दें। इसका विजुअलाइजेशन क्या होगा मास्टर सर्वशक्तिमान का, आप बता सकते हैं कोई, किसी का चिन्ह? आप कैसे विजुअलाइज करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बताइए। हाँ बोलो बोलो। चलाकर ऐसे विजुअलाइज करते हो, वेरी गुड। मुझे कोई कुछ भी कह रहा है, मुझे वो सब सहने की शक्ति है। है, अच्छा, ओके गुड। एनर्जी पावर आ जाती है, पावर आ जाती है, ऐसे विजुअलाइज करते हो। ठीक है, ओके। हाँ कोई इधर से हाथ उठाए। अगर आप चिंतन करना शुरू करें तो आपका माइंड ढेर ऑप्शन आपको देगा। आप अपने मन से ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन है ना मानेगा, हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान का सुंदर सा विजन दिखाएं, और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ कह के, विश्वास करिए वो दिखाएगा और आपको बहुत अच्छा विजन सामने आएगा। आप विजन बना सकते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रकाश की देह में हूँ और पूरी लाइट की शरीर को लाल देख सकते हैं आप, रेड। ठीक है, और मस्तक के बीच में चमकती आत्मा वाइट, और उसके चारों तरफ सर्व शक्तियों के आठ गोले बना लो, अष्ट शक्तियों के गोले ऐसे। भाई जी इसमें आप 21 फीट वाली चार लाइनें और जोड़ दें। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी बोली थी एक बार शायद ना, मैंने सुना है तभी बोल रहा हूँ। हाँ राइट, तो कई सारे अभ्यास हैं, आप ये भी कर सकते हैं। आप सवेरे उठे, जैसे आप सवेरे उठ के 21 बार संकल्प करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और आप संकल्प करें कि हर बार बोलने से एक फिट मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ लाइट का, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आप ये भी देख सकते हैं बजरंग बली हनुमान की तरह आपकी प्रकाश की देह बढ़ती जा रही है, हनुमान है ना, तो प्रकाश की जो सूक्ष्म शरीर होता है ना उसको संकल्प से कितना भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक है, तो आप संकल्प करते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो आप देखते हैं हर बार एक फिट बढ़ता जा रहा है, 21 फिट का प्रकाश की देह सामने है। अब देखना 21 फिट की प्रकाश की देह, नीचे देखना माया कितनी सी नज़र आएगी।